टिकट बिठाए साईं मौला बख्श मोहब्बती साहब, साईं कामेड निसार लगारी साहब, साईं अली अकबर जोर साहब, उनका गुड मेरे सामू वेठल, साईं कयूम दल साहब समाजी कारकुन, साईं अब्दुल मजीद, श्री अशोक कुमार जो हेडमास्टर है हाई स्कूल वालकी बसी में, उन गुड साफ ही मोहतरम अकबर सोलानी साहब, पीर बख्श मुदारी मुझा दोस्त मुहबागा एजाज़ बया नाला जी मुझे ना अचन उ दोस्त मास्टर तो तुम सभी अचान की वही सब का पैदा तैयार ए महफिल जो मौज है ये महफिल मचे ही है लिखी वेटो थोड़ा सामू थी मुहब सजो क्रेडिट इन मूल वे तो मिसाल गारी जन ही जो कि महफिल मचाई है मुख्तसर ऐसा ए कोशिश कदस मालूम तेजा वजा ज दोस्त रही वही या मालूम तो तकरीबन सागी होंगी रुको उनके पेश कर जो अंदाज है ना वो अकेडमिक मोकल है बो मु को वो तीर को हि कम मुझे छपजी भी चुको है जो पा चाहे दोस्त बधा पब्लिश कर शी कामयाबी असानी है हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल में जी गामयाब भी कई तो एक सदी उणासी साल का कें वे प्लेटफॉर्म से अस इनके पेश जुणे जो साहब जफर जुणे जो साहब जो सो क्रेडिट उन साई कॉमेड में शामिल हुआ छह हज़ार ब सौ मानू नदी में व्यू किया यूट्यूब से रखल अजन जैस तीन रखल हों एच एल एफ के लिंक से जो भी उनके ऐसी तो टेतालीह मिंटन की डिस्कशन है जैमें मूँ कुछ सवाल क्या नई कॉमेड मिसाल गारी साईं जुड़े जो साहब उन्होंने जवाब उनके अलावा मुझे रिसर्च पेपर है अंग्रेजी में यहाँ तर्जुमो क्या भी ये जल्दी इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में छबूर साउंडस्तान एब्सट्रैक्ट में उतर जो तरीको है रिसर्च पेपर लिखण कदीम आसार के महफूज कर लागापियल खाते एंटीक्विटीज डिपार्टमेंट ऑफ सिंध जो एक कायदो ढो आम ए मिसाली हों है तो कड़े भी मजहब या फिरके की इमारत या मजहबी आस्थान के बगैर कें फर्क ए मतभेद के बराबरी के बुनियाद से बीहर महफूज कर रिहेबिलिटेशन उन्होंने या कंजर्वेशन चौस या प्रिजर्वेशन वो भली वो मुल्क या दुनिया के कड़े भी हिस्से में हो पर यो कानून हर हंध से सागी तरह से लागू हों पर हैदराबाद का उत्तर ओलह में मौजूद खन थी वी उनमें सवाए आम गाल अंग्रेजन के बिन्हीं यादगार की बाकायदा सार संभाल लदी वे सफाई सुथराई जो ख्याल रखो वे बिन्हीं यादगार पक्को फर्श बदल है जो दिसण में तमाम सुठो ए साफ सुथरो लगी रो है बई यादगार मजबूत पत्थर से डल परे का दिसण से कें मंदिर या देवरे वागू लगन था हाँ बे पास उत सद पंध से म्याणी की म्याणी वाली जंग के जनरल मीर जान ममन तालपुर की आखिरी आराम का पिण मौजूद है जैसे मथा न को मुकबरो डल है न वरी को टायलस जो फर्श बदल अस म्याणी के जंग के शहीद के कब्रस्तान के नका चौदीवारी डनल है न वरी उत को मालूमती बोर्ड लगल है पंज हजार म्याणी के जंग के शहीद के कब्रस्तान की हाणोकी माप 250 रुपया 160 फुट बाकी चैनी पासे जरी जमीन आबाद थी चुकी है कब्रस्तान जो यो टुकड़ो इन वक्त कें झंग जो देख दे रो है मीरन वाली तारीखी मस्जिद पिण इतने मौजूद है जैसी हालत पिण सफा जबून लगी पी है इन मस्जिद के चैनी पासन का सिम ए कलर अची वो है सार संभाल न लहण ए मरम्मत जो कम न थण कर खंडर जो देख दे रही है मुझे इन तहकीकी मजमून लिखण जो मकसद यो है जी होशुशीदी नालो दुबे वाली जंग जे करे पूरी सिंध में मशहूर थी वो है तीन म्याणी की जंग जैन बहादुर किरदार शहीद जनरल मीर जानवमन तालपुर जो नालो भी तारीख के वर्कन में महफूज ए वाज हो सिंध के हर मानू के संदस नाले ए बहादुरी की जान होजन घुर्ज और मजमून में मुस्तनद हवालन के जरिए संदस दिलेरान किरदार से रोशनी विझण की कोशिश कदस
उन सा गड उतार जी हाणो की सूरत हाल पेश करे आखिर में बचार सलाहों दे पर जा वठ माग जो हंध है दस पंध सही रिसर्च पेपर आए इन करे यो लिखण जरूरी थी पियो छो त ही सारी दुनिया में विदो सही ही माग हैदराबाद का उत्तर वाले पासे लगभग 15 किलोमीटर के फासले ते मौजूद है जेकर को मानू पेंजी गाड़ी में वने तो रुगो 20 मिनट में उते पची सके तो इतने म्याणी की जंग जो मैदान दुबे वाली जंग जो मैदान होशू शिदियो मुकबरो मीरजान मोहम्मद ठाकुर की आखिरी आरामगा अंग्रेजों की बहादुर इज्तमाही कबरू ए मीरण वाली तारीखी मस्जिद जड़ा इंतहाई अहम बाग मौजूद है। ये सभी बाग एक बे का थोड़ी घड़ी विथे से मौजूद है सुपर हाईवे से हाल आया भटियारी डा वेंदे हटली बाईपास वटा ओभर तरफ एक रस्तों निकरे तो जो न्यू सिटी हैदराबाद का थी इन बागन तीन पचाए तो इतने कदीम कोट वाणकी बस्ती के नाले से मौजूद है। मीर जान मोहम्मद खानाणी टालपुर बाबत मिलल मुख्तसर आवाज जी तो हैदराबाद के हुक्मरान मीर आखिरी वक्त तीन अंग्रेजों से जंग न पा कर चाहन ए कें न कें तरह से गाल जरिए सचा कर पे चाहन पर आम मानून में सख्त ता पकड़ो कादिर बख्श निदामणी पैं किताब जंग म्याणी में लिखे तो हवालों शुरू थी अंग्रेजन की रेजिडेंसी रिहाइशगाह से आम राया कुछ बलोच कबीलन पारा जैसे हमलो किया तो हैदराबाद के हाकिम मीरन बलोचन के सख्त तनबीह कई खेन हैदराबाद छदे मुंतशिर थी वजन जो हुक्म दिनों तो मत कहींदड़ अंग्रेज हैदराबाद शहर के को नुकसान न पहुंचाएं उनके रद्द अमल में 15 फरवरी 1843 से शाम जो आम तालपुरन समेत सभी बलोचन वाट से म्याणी के मैदान से मुनासिब हंधट वही नेपियर से मुकाबले कर फैसलो कर हुक्मरान वीरन के पान से शामिल कर सभी कोशिश में नाकाम थियण का खेन ताने तौर से चूड़ियों जनाना कपड़ा डारे मोकलिया खेन चयों तो घर में वही वेही रहो म्याणी के मैदान वट गड थींदड़ बलोच सदारन में मीर जान मोहम्मद टालपुर खानाणी गुलाम खान लगारी गुलाम अली खान निज़ामाणी गुलाम शाह टालपुर ए बया 70 बलोच सरदार शामिल हुआ हवालो पुलो उनका सवाल म्याणी की जंग वाले वाक़े का रुगो 13 साल पोए मुंशी अता मोहम्मद शिकारपुरी साल 1856 में एक तारीखी कलमी नुस्खो ताज़न मुअरक की तारीख लिखो है जैमें वो म्याणी की जंग जो नक्शो चिटींदे इन तरह लिखे तो हवालो शुरू बख्तियार लगारी जो सदाई आफीम खाई पिनकिन में पो हलो सो मीर रुस्तम खान की दरबदरी जो बुधी खार में अची घोड़े ते चढ़ी अंग्रेजन सा मुकाबले ला कमर कशे त्याग जो अगत वही गुलाम मोहम्मद निगारी के साण खाई ए वही मानु के उम्मेदू आसुरा दई साथारी बढ़ाई तो गजी मीर जान मोहम्मद खान टालपुर वलद मीर बोधे खान टालपुर वट वया उनकी वास्तेदारी से लिगारिन मोहम्मद खान वलद मरूम लुकमान खान टालपुर के विच में ठाह कराए जो संगा बदी तक पा में झेड़ो हलंदे पे पछाड़ी में सभी गजी कुरान मजीद से कसम खो अंग्रेजन से वह हाँ वो कसम बलोचकी में हाँ बलोचकी मुझे अचे को सिंधी में चवन था सिंध अस बलोचन की सगी माँ बराबर है जैसी थन में पीढ़ियों का असि परवरिश थी पी अचे वाह औलाद ते पी माँ जहाँ घा ही हक हूँ उन साख मूजिब असि जान इन जीजल माँ के कदम तक कुर्बान कदी जै न कयोसि तो अस सभी वालदुल जना लिखा उन किताब जंग म्याणी में कादिर बख्श निज़ामाणी एक लिखे तो मशहूर अहले कलम एच टी लैम्ब्रिक जै सिंध की तारीख बाबत तहकीकत करने की चंगी कोशिश कई है इतना जो चवण है तो ये हकीकत हर कें तस्लीम करनी पवी तो जैसे बलोचन में इंतजाम जब्त हो संदन रहनुमाई कुछ बेहतर असरायती नमूने से थे हा तो जंग जो हालतों नतीजा कुछ बया हुआ वो वधी लिखे तो जंग शुरू थियण का बलोचन के हमलों में अड़ो तो जोर हो जो जनरल नेपियर अवल 3-4 दफा कोशिशों क्यों तो संदस फौज बचा जो तदबीरों छे जवाबी हमलो करें पर संदस सिपाही के हिम्मत ही न पे थी नेठ बलोचन के कमांडर मीर जान मोहम्मद खान टालपुर खानाणी चंडे जाम वो शहीद थी उन गुलाम खान शाहवाणी टालपुर लश्कर की कमान संभाली पर
वो अपन जल्दी शहीद थी। जैखा पर बलोची लश्कर में कुछ कमजोरी जा आसार पैदा था हवालो पूरा थो। उनका सवाय नाले वाले ताजदान रहीमदाद मोलाई शिदाई पैं किताब जन्नतुल सिंध में मियाणी की जंग बाबत लिखो है त हवालो शुरू थे। टालपुरी लश्कर में शादादाणी चाकराणी ए खानाणी टालपुर शामिल हुआ। मीर जान महमद टालपुर के लश्कर जो सुपा सालार हो संदस माताती में मीर गुलाम शाह शामाणी सैयद अब्दुल्ला शाह इब्राहिम खान नवाब अहमद खान लगारी गुलाम अहमद खान लगारी बख्तियार लगारी बावल खान रिंद मोरू खान चांग ए सैयद फतेह मोहम्मद शाह लगारी लकियारी फौजी सरदार हुआ। टालपुरी तोपखाने मथा होश मोहम्मद कबरानी हफ्शी ए मुर्शद ईरानी ए मिस्टर हावेल जो सही तत बुदाय फ्रेंच उ मामूल हुआ। 17 फरवरी 1843 सुबह जो सवेर जंग जो तबल हो शुरुआत में मीर जान महमद टालपुर अड़ी सियाणप होशियारी से विड़ो जो चार्ल्स नेपियर के जंग हारायण की पक थी हुई पर अंग्रेज सवार दस्तन सजे खबे पासे का हमला करना शुरू किया। मीर जान महमद टालपुर बहादुरी से विड़े विड़े शहीद थी वो मीर गुलाम शाह यकदम फौज वागू संभाले वरतूँ वो भी जल्दी शहीद थी। उन रिसालदार जान जेकब जो वो शातर अयार किस्म जो प्लानर हफ्ती मानो हो उन 1000 सवारन सा फुलेली के पेट से सीधो काय आयो यकदम अयारी सा मोट खाई पोते भगो जो यूटर्न थोड़ा यूटर्न करे वरी पोते भगो बलोचन धोखो खाए इन समझो त अंग्रेजी लश्कर में भाज पजी हुई है उन करे नारो लगो तो भगाड़े भगा उन सिफू टुटी पे वो पैंती दिफाई पोजिशन छे बेकायदगी से अंग्रेजी लश्कर के पुठा भगा पुठा अंग्रेजन जो तोपखानो जो फुलेली वाले बंद के पुठा निकल हो सही जो बंद अस सुबह ऐसी आयासीन बंद के पुठा निकल हो वो अलर्ट थो नेपियर के एक ही इशारे मथा सिंधन की फौज मथा गोलन की बरसात मथन शुरू थी वही जंध 3 कलाक हली मोलाई शिदाई जंग में आने मुकाबले के नतीजन के आखिर में इन तरह पेश किया है तो 3 कलाक की इन दूबदू जंग में अंग्रेजन जहाँ फकत 57 मानू हुआ जख्मी थे जद टालपुरी लश्कर जहाँ 5000 जान जानबाज शहीद थी हवा पूरा। उनका सवाल ताज़ो एक किताब आया मोहम्मद हाशिम लगारी जो बैरिस्टर रईस गुलाम मोहम्मद खान भरली जहा कम हयाती उनमें लिखे तो हवालो शुरू। मीर जान महमद टालपुर जो टंडे जाम के खानाणी टालपुर में हो त सिंध के मानू की सुपर सालारी कई बलोच मियाणी वाली जंग के मीर जान महमद वाली वेण छींदा टंडे जाम के खानाणी टालपुर संदस पोयरन एस टी लैम्बर के बुधायो तो मीर जान महमद टालपुर की गिच्ची में गोली लगी हुई जडे अंग्रेजन पैं तस्कर में संदस मौत के मांटीगो मैकमर्डो की तलवारबाजी जो निशानो जाना है। टंडे जाम के मीर अकबर टालपुर मुस्तनिफ के बुधायो तो संदस टंगू तलवार के धक्कन वढ़े छ्यू उन करे साथियों के अर्ज कर तो मुख्य घोड़े से सवार थे में मदद कर जैसे ये वो तो वो तेजी से अंग्रेजन के पास वो जिसे नेपियर की पुछा कई जैसे जंग के मैदान में ऐसी मथस तलवार जो वार कई पर उते मौजूद मास्टन खेस पिस्तौल छोड़े शहीद करे वो यह गाल नेपियर मास्टर ना लिखल एक खत में तस्लीम कई है। शहीद मीर जान महमद टालपुर की उकरल तलवार चार्ल्स नेपियर इन खत से गुड मास्टर के सुखी मोकिली है प्यारा मास्टर जर तू उन 17 फरवरी 1843 विख वधाए मुझे अगर न अची हाँ तो उन बलो वड़ा के मुँह न ढी हाँ जो मुझे उलर कर आयो तो मैं केतर ही मामलों में सोच विचार में रुदल होने सबब सानस दू बदू वह जोड़ो न नोट कर तस्लीम सो घो कर वटी वा सो मैं तुझी मेहरबानी जो यो हथियार उन वक्त मुझे बचाई असाजे मानू जो सो मास्टर रोड साई जिते मास्टर नाले रोड आ कराची बहरहाल हवालो पूरा थो हाँ जंग मियाणी बाबत मुझे मुख्तसर तबसरो मुझी राय है। तारीखी हकीकतों ढूं दिल दिखाईंदड़
ढकाईंदड़ हूँ आज कदें तो मामूली मू या एक आम प्यादो सिपाही गैर मामूली मान ही मंता माने अमर थी वे तो कदें वरी एक जंगी जनरल या सुपर सलार कें आम सिपाही वगुर मारी वे तो संदस सुरायब नाम नालो गुमनामी के वर चढ़ी वे तारीख के वर्कन में खेस मुनासिब जायब नी मिले तो अस उन मानून की बेध्यानी चूं या वक्त की सितम जरूरी पर वह एक हकीकत है वह गाल असा के तस्लीम करनी पवी असा के जंग म्याणी में शहीद थल घणन मानून जा नाला खबर है अज डी ताई उ नाला कें भी तारीखदान या मौक हथ करने की कोशिश छो को कई है हाँ ऐसो न अंग्रेजन तो पैं मारे मानून जो नाला अज तवाई खबरू जैसे देवरू था चो लिखाए उन्होंने अमर कर छो अस इन महल तीन कर अफसोस है असाजे माजी ए हालत बहरहाल मुन मजमून में म्याणी के जंगी जनरल मुख्य सुपर सलार मीर जान मोहम्मद टालपुर जंग म्याणी में शहीद थे बन जूझारों के बारे में जान हासिल कर सिंध की तारीख से लिखल उ सभी किताब उथलाया जी मुझे मिली सकया पर मथियन चंद हवाल का सवा बो कुछ भी ना जो भी अहवा मिलो है वो पढ़ंदड़ का पेश कर मथन हवाल मजा वो साफ जाहिर है मीर जान मोहम्मद टालपुर म्याणी की शुरुआती जंग में 17 फरवरी 1843 धारे बहादुरी से उड़ाते उड़ाते शहीद थो अंग्रेजन के चंगी तरह यो महसूस कराई तो सिंधी मानू ये तकड़ में आन को मंदा पर उ सिंध धरती के इंच इंच सिर दिन सख्त मुजामत कदा तो वाकई थो भी ये म्याणी की जंग का अंग्रेजन सिंधी की एक डिघी मजामत के मुंह दिनों खास कर सांगड़ में जो हुतारी कई थर में सिंध के समूर इलाक में बगावत की बाह भड़को खाधो सिंध के आम मानून तक कदें भी अंग्रेज के जहनी तौर पर पाँच हाकम तस्लीम ही न कर खैर वो अलग है डिघो मौजू है खैर मुझी कोशिश कर एक विख हाँ अगत की कोशिश कई है मु जंग म्याणी के शहीद के नाल के गुड कर गुजरल 8 साल का तहकीक कई है उन सिलसिले में हैदराबाद मटियारी टंडोजाम मूसा खटाण टंडो केसर हाला कुछ बन इलाक में वह अच्छा उनमें पीर बख्श नूनारी जो वो कंट्रीब्यूशन है जो मोटरसाइकिल से वी हल्द जो सही अब्दुल मजीद राश मोब कामेड मोब जो ताकत रो हाँ को बहरहाल ये तहकीक थे तस्दीक थे नाला मुझे मिलया उ पढ़ंदड़न लाइ इतने हवाल समेत पेश कजन था हिंसा बुधाइस को मार्च में पब्लिश थे तो आर्टिकल उनमें तुम पढ़ो 11 नाला जंग की पुजानी तो लाजमी तौर पर थी होंगी है पर जंग की शुरुआत करी दुखी होंगी है छो तो उन वक्त दुश्मन की ताकत हथियार पवर चालबाजन जो अंदाजो न होंगे वो पिण अंदाजो न होंगे है तो दुश्मन किएं कदें किथा हमलों कदा इन वार द टेक्नोलॉजी ऑलवेज विंस उन्होंने वो जदीद तरीन हथियार हुआ राइफल अची वही या बिहार जी बम गोला हुए जदीद हुआ तालपुर तलवारू मुँह भरण वाल बंदूकू जैसा मानू मर न हो सिर्फ जख्मी थी सके तलवारू भाला बिड़छू लच्छू भी खड़ी आया माना मुख्तलिफ़ किताबों पर उनके बावजूद मीर जान मोहम्मद टालपुर वही दिलेरी जो मुजाहरों कहते अगुवाण में अंग्रेजन की फौज से मार वोट कर हैदराबाद के बुजद मीरन दा चूड़ियों में जनाना कपड़ा मोकिले शाह लतीफ के इन पैगाम की पोवारी कई ते सूर्य मरी सोभ के त दिल जहा वाह सार हण भाला वण भाकुरे आडी ढाल मढाल मथा तेग तरार मारत मतारो थी या किले वेर कटक में किले वेर कटक में पाखर जो पाए उन्हीं के जीण जो असांगो आए सूर्य सोई चाहे जो रुगो ही रण गणे मुझे मजमून लिखण में मकसद यो है मीर जान मोहम्मद टालपुर की बहादुरी शहादत बाबत आम मानून के बाखबर होजन खपे तवा पढ़ंदड़न बुधंदड़न के भी या गाल खबर होजन खपे तो मीर जान मोहम्मद टालपुर अंग्रेजन की आण नमूने के ललकार कई म्याणी की मैदान से 17 फरवरी 1843 अंग्रेजन खिलाफ जंग की शुरुआत कर पैगाम दिनों तो सिंधी कौम ये तकड़ में आण मन वाली कान पर ये आज़ाद सिंध की बका ला मां वटकाइंदा सिर जो सांगो बिल्कुल न कदा
हिन जंग खां पोइ उहा ॻाल्हि साबित बि थी ऐं सिंधी माण्हुनि अंग्रेज़नि सां मुख़्तलिफ़ जायुनि ते मारो भटकायो आहे ऐं खेनि सख़्तु जानी ऐं माली नुक़सानु पिणु ॾिनो आहे। मीर शहर मामन तालपुर अंग्रेज़नि जी फ़ौज खां फतेह खां पोइ बि अंग्रेज़ फ़ौज सां काफ़ी हंधनि ते जंग कई आहे। उन खां सवाइ होट तारीख़ पिणु काफ़ी अरसे ताईं अंग्रेज़नि लाइ ख़ौफ़ जो सबबु बणियल रही आहे। मथे ॾिनल हवालनि मञा साफ़ु ज़ाहिर आहे त हैदराबाद जा हुकुमरान मीर अंग्रेज़नि सां जंग जे ख़िलाफ़ु आहे। सो जेकॾहिं मीर जानमामन तालपुर मुड़सी करे अंग्रेज़नि जी रस्ता रोक न करे हा ऐं मियाणी जी जंग ऐं उनखां पोइ दुबे वारी जंग न लॻे हा त अंग्रेज़ सिंधुनि जी बहादुरी जा अॼु ॾींहं ते गुण न ॻाइनि। मुख़्तलिफ़ अंग्रेज़ लेखकनि पंहिंजे किताबनि पंहिंजे जनम कथाउनि में लिखियो आहे त सिंधी हिकु बहादुरु क़ौम आहे ऐं उहे जदीद हथियारनि गोलाबारी ऐं गोलियुनि जी बोछाड़ खे ॾिसी पोइ ते न हटिया ऐं उहे ईअं पिया विड़िया जीअं को पंहिंजी जान खां बि वधीक अज़ीज़ शइ खे बचाइण लाइ उड़ंदा। गुज़िरियल अठनि सालनि खां मियाणी ऐं दुबे वारी जंग जे मैदाननि ते वञणु थींदो रहंदो आहे, जिते हाणे होशियारशीरीअ जी आख़िरी आरामगाह ते हिकु शानदार मुक़बरो ठही चुको आहे, जेको क़दीम आसरण वारे खाते जो हिकु सुठो अमल आहे ऐं उनजी वाखाणण साईं थियणु खपे। बाक़ी हाणे मीर जानवामन तालपुर जी आख़िरी आरामगाह जी बि वासी थियणु खपे, छो त इहो मियाणी जी जंग वारो मैदान हाणे वञी 250,000 रुपया 160 फुट हमचोरस टुकड़ो वञी बचियो आहे। उन में बि ताज़ो कुझु नयूं तदफ़ीनूं कयूं आहिनि। इहा ॻाल्हि कंहिं बि कान कई जेको क़दीम आसरनि जे खाते एक्ट 1975 एडवोकेट नोट कयो पुलिस जे बिल्कुलु उन जे ज़ाब्तनि जे उबतड़ आहे। मक़ामी रहवासी ॿुधाइनि था त मियाणी जी जंग वारो इहो मैदान अॻु में सवें एकड़नि ते पखिड़ंदो, जंहिंमें जिते किथे शहीद जूं क़बरूं ठहियल हुयूं ऐं अॼु बि जॾहिं ॿनियुनि खे हर ॾियारबो आहे त ज़मीन मां कॾहिं कॾहिं मियाणी जी जंग जे शहीदनि जा हॾा निकिरी पवंदा आहिनि। जेकॾहिं हेठि ॾिनल तजवीज़ुनि ते अमल करायो वञे त हींअर बि इहो बाक़ी बचियल मियाणी जी जंग जो उजाण मीर जानमामन तालपुर वारो कब्रस्तान ऐं मीरनि वारी तारीख़ी मस्जिद खे महफ़ूज़ करे सघिजे थो। नंबर हिकु, शहीद मीर जानमामन तालपुर वारे बाक़ी बचियल कब्रस्तान जे टुकड़े खे तुर्त चौधीवारी ॾियारे महफ़ूज़ करायो वञे, जेको कामरेड मोहबत ॿुधायो। मीर जानमामन तालपुर जी आख़िरी आरामगाह ते मुक़बरे जो कमु शुरू करायो वञे ऐं इहो मुक़बरो वधीक न त बि घटि में घटि होशमामन शीदीअ जे मुक़बरे जेतिरो हुजणु घुरिजे। नंबर टे, हिते हिकु गंजे शहीद आ ठाहिरायो वञे जंहिं ते मियाणी जी जंग में शहीद थियल माण्हुनि जा नाला लिखियल हुजनि। 11 नाला मूं तस्दीक करे मथे ॾिना आहिनि मज़मून में। नंबर चार, मीरनि जी मस्जिद जो साईं ज़िक्र कोन थियो, इहो हिकिड़ो मुंहिंजो मुतालबो तव्हां नोट कयो। मस्जिद आहे अलाह जो घरु आहे ऐं जीअं कामरेड साहब चयो त हुनजी बची हुन करे आहे, इहो मुतालबो हिकिड़ो शामिलु कयोसीं त मीरनि जी मस्जिद जो जेको मसइलो आहे उहो सिमई कलर जो आहे, तंहिं करे मस्जिद जे चौधारी वारी ॾियारी वञे ऐं हिते अहिड़ा वण पोखिया वञनि जेके सिम ऐं कलर जे असर खे घटाइण में मदद ॾियनि। उन सां गॾु मरम्मत जो कमु बि चङे नमूने करायो वञे ऐं मस्जिद जो रोज़ानो जी बुनियाद ते सार संभाल पिणु कई वञे। भारत साहब कोन आयो न त या हुनखे नोट करायो। हिते मौजूदु हर माग ते मालूमाती बोर्ड पिणु हणाइणु घुरिजे त जीअं घुमण लाइ ईंदड़नि खे मुस्तनिद ॼाण मिली सघे। वॾी महिरबानी तव्हां सभिनी हाणे जेके बि सवाल आहिनि संजय जा।